शहर में इंजीनियर्स ने धरना दिया हुआ है, जिसके बायस शहर की सड़कों पर इस वक्त बुरी सूरत हाल देखने में आ रही है। शहरियों को खारी और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अरसलान हैदर की जानिब बढ़ेंगे। अरसलान, बताएं, ये मुख्तलिफ जो बड़ी सड़कें हैं वहाँ पर तो हम इस वक्त के मनाजर के मुताबिक अगर बात करें तो बुरी हालात हैं। शहरी वो जो दफातर से घर जा रहे हैं, तलबा जो स्कूल से वापस लौट रहे हैं, या बाकी शहरी जो हैं जो कामकाज के सिलसिले में निकले हैं, उनके हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि इंजीनियर्स की जानिब से चेरिंग क्रॉस पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और इस वक्त धरना दे दिया गया है, तो उसके बाद माल रोड पर ट्रैफिक जो थी उसकी बदतरीन सूरत हाल जो है वो देखने में नजर है, क्योंकि महकमा मवासलात से चेरिंग क्रॉस तक इंजीनियर्स की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, तो जिसके बाद जो ट्रैफिक थी वो शदीद जैम रही और उसके बाद अब जो है वो धरना दे दिया गया। तो ट्रैफिक जैम होने से GPO चौक, माल रोड और उसके साथ साथ PMG चौक, नीला गुंबद, क्वींस रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, फिरोजपुर रोड, शमा चौक और इसके साथ साथ इतराफ में ट्रैफिक की जो है इस वक्त लंबी कतारें लग चुकी है, क्योंकि इस वक्त स्कूल से छुट्टी का टाइम था। बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो बच्चों को स्कूल से लेकर घर जा रहे थे, तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ केनाल रोड पर भी जो है ट्रैफिक की लंबी जो कतारें थी वो लगी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डायवर्जन लगाई जा रही है, मुतबादल रास्ते देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक जो सड़कों पर थी वो महसूर होकर रह गई है और इन डायवर्जन के बावजूद शहरियों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल जो है वो देखने में नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो मौका सामने आया कि ट्रैफिक की सूरत हाल के लिए बेहतर बनाने के लिए इजाफी नफरी जो है वो मौका पर भेज दी गई है, DSP को मौका पर तैनात किया गया है और अब जो है वो ट्रैफिक की बहाली को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन आखिर ये कोशिशें कब तक जारी रहेगी, क्योंकि पिछले एक घंटे से ट्रैफिक जो है वो बदतरीन जैम है और बहुत ही शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से। जी ठीक है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जबकि ट्रैफिक को बहाल करने के लिए कोशिशें भी जारी हैं, मुतबादिल रास्ते भी दिए जा रहे हैं। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका।